कौन उठाएगा सूटकेस, हाथ लगेगी ट्रॉफी और सलमान पकड़ेंगे किसका हाथ। दोस्तों खबरों की माने तो अगर फिनाले के दिन पैसों से भरा सूटकेस उठाने की बात करें तो ये अर्चना गौतम हो सकती हैं। तो कई बार शो में ये कहते सुना गया है कि फिनाले के दिन उसकी नज़र पैसों पर रहने वाली है। इससे उनके एक फैन जहां कोई भी इस बारे में बात तक नहीं करता था, वही अर्चना ने पैसे उठाकर जाने की बात कह दी है। हमें लगता है कि अगर उनके पास ये ऑप्शन आता है तो वो पैसों से भरा बैग उठाकर चलती बनेंगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा सबसे मुश्किल घड़ी तो तब आती है जब अंतिम पलों में सलमान खान उन दो लोगों का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं जो शो जीतने वाले होते हैं, यानी वो दो लोग जो घर के लाइट्स ऑफ करके बिल्कुल अंत में निकलेंगे और सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करेंगे। इसके बाद मानो जान लगभग हलक तक अटकी रहती है क्योंकि चंद मिनटों में किसी एक का नाम गूंजने वाला होता है। इस बार भी जाहिर तौर पर यही होगा और फैंस मानते हैं कि वो दो अंतिम लोग शिव और प्रियंका होंगे। शुरू में अब दोनों की जर्नी को देखते हुए ये साफ लग रहा है कि दोनों में जीतने की चाहत उन्हें उस मुकाम तक जरूर ले जाएगी। सलमान खान के अगल बगल शिव और प्रियंका के खड़े होने की ज्यादा उम्मीदें हैं। अब दोस्तों इसी के साथ बात करें दो और खिलाड़ियों की, जो हैं शालिन और स्टेन। शालिन और स्टेन दोनों ही अब तक शो में अच्छा कर रहे हैं और जाहिर पर उनके फैंस भी उन्हें खूब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुलना की जाए तो शालिन और स्टेन के मुकाबले शिव और प्रियंका में दिल और जान लगाकर जीतने की लहर अलग ही है। इन सबको देखते हुए ये बिग बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले का प्रिडिक्शन शायद सही हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कल यानी 12 फरवरी को कौन से वो दो खिलाड़ी होंगे जो सलमान खान के अगल बगल खड़े होंगे और इनमें से सलमान खान किस खिलाड़ी का हाथ उठाकर उसे विनर बनाएगा? उस खिलाड़ी का नाम हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी तमाम नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।